आज के इस दौर में मसाला पीसने और पैक करके जो है बेचने की बिजनेस जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में लोगों को अच्छी मशीन की जो है आवश्यकता होती है। लोग गलत तरीके का जो है पल्वलाइजर मशीन खरीद लेते हैं और बाद में वो फेल हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अगर आप गांव देहात में या शहर में कहीं भी सिंगल फेज बिजली से अगर आप मसाला पीसने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे 30 से 35 केजी का जो है मसाला का प्रोडक्शन हो जाए, तो उस बेस्ट मशीन के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं आपको कि ब्लोअर टाइप पल्वलाइजर मशीन में मिर्च की पिसाई किस प्रकार से की जाती है, हल्दी की पिसाई किस प्रकार से की जाती है, धनिया की पिसाई किस प्रकार से की जाती है, सभी टाइप का जो है मसाला का पिसाई इस ब्लोअर टाइप पल्वलाइजर में आप कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उसमें एक तरफ जो है एक ही मशीन है, दोनों मशीन का कलर चेंज है, लेकिन मशीन दोनों सेम है। दोनों में 3 HP का मोटर लगा हुआ है, दोनों ब्लोअर टाइप पल्वलाइजर है, जिसमें आपको 3 से 4 जाली मिल जाता है। दोनों में अलग अलग आप देख पा रहे हैं, एक मशीन में जो है अभी हल्दी की पिसाई की जा रही है और एक मशीन में जो है अभी मिर्च की पिसाई की जा रही है। तो इतना आसानी तरीके से इसमें आप जो है हल्दी और मिर्च और मसाला से रिलेटेड जितने भी आइटम हैं वो आप पीस सकते हैं। और इस मशीन की प्रोडक्शन की बात की जाए तो 1 घंटे में आप मसाला जो है 25 से 30 केजी इसमें पीस सकते हैं। वही चना का सत्तू या फिर बेसन अगर आपको पीसनी है तो वो 1 घंटे में 45 से 50 केजी ये आप आसानी रूप से इस मशीन में पीस सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर सीलिंग मशीन ले लेते हैं तो इस मशीन से पीसा हुआ बेसन, सत्तू, मसाला, हल्दी का पाउडर या मिर्च का पाउडर को पैकेट बना करके अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आप उसमें भी जो है कमा लेते हैं। तो इस मशीन में जो है आप हर एक टाइप का आइटम जो है पीस सकते हैं। अगर आपका उद्यमी योजना से जो है लोन पास हो चुका है या उद्यमी योजना से आप लोन पास कराना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में आकर, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कृष्णा मैन्युफैक्चरिंग ऑफिशियल, तो आप इस कंपनी में आके कोटेशन ले सकते हैं और कौन कौन सा मशीन उस मसाला प्लांट में लगेगा, रॉ मटेरियल का क्या उसमें ज़रूरत पड़ेगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस कंपनी से मिल जाएगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिसके वजह से उनका लोन पास नहीं हो पाता है, तो आपको अगर कोटेशन चाहिए तो आप यहाँ आके मिलिए, इस चीज़ के बारे में समझिए, प्लांट के बारे में बताइए कि मेरा इस प्लांट से लोन पास हो रहा है, हमें ये प्लांट लगाना है, तो आपको पूरी जो है प्रशिक्षण दी जाएगी इस कंपनी के माध्यम से। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हर एक टाइप का मशीन मिल जाएगा, जैसे कि आटा पीसने के लिए 3 HP से लेके 20 HP तक पल्वलाइजर, और मसाला पीसने के लिए ब्लोअर टाइप जो होता है वो आपको मिल जाएगा 2 HP से लेकर के 20 HP तक ब्लोअर टाइप पल्वलाइजर मिल जाएगा, जो कि आपको अलग अलग साइज में और अलग अलग बिजली में रिक्वायरमेंट है, आप उस अनुसार से यहाँ आके ऑर्डर दे दीजिए, आपको जो है मिल जाएगा। कंपनी विजिट करने के लिए वीडियो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी का एड्रेस है, आप जो है कॉन्टेक्ट करके लोकेशन ले करके यहाँ आ सकते हैं और विजिट करके आप बेस्ट बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।